हरियाणा के गुरुग्राम में एक लड़के ने अपनी बाइक में खुद ही आग लगा दी। बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस ने चेकिंग के दौरान उसकी बाइक को रोक लिया था, लेकिन उसकी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई, जिससे नाराज होकर लड़के ने अपनी ही बाइक से पेट्रोल निकाला और उसके बाद बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान वहां मौजूद ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने भी उसे नहीं रोका और वो पीछे हट गए। दावा किया गया कि पुलिस ने बिना नंबर की एक बाइक को रोका और बाइक सवार से कागज मांगे। बाइक चला रहा लड़का नाराज हो गया और उसने अपनी बाइक में आग लगा दी, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोग भी रुककर जलती हुई बाइक को देखने लगे। कर्नाटक में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के नतीजों के बाद जेडीएस के कार्यकर्ताओं ने कलबुर्गी में जश्न मनाया, क्योंकि राज्य में कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन ने बीजेपी को झटका देते हुए 4 सीटों पर जीत दर्ज की। यही नहीं, इस गठबंधन ने करीब 15 साल से बीजेपी का गढ़ रही बल्लारी सीट भी उससे छीन ली। कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहली बार हुई इस चुनावी जीत ने जेडीएस के कार्यकर्ताओं को जोश से भर दिया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पटाखों पर लगी रोक के बावजूद इन कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इससे पहले जेडीएस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाने के बाद जमकर नारेबाजी भी की। जीत के जश्न में डूबे जेडीएस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के साथ उनके गठबंधन का समर्थन करने वाले मतदाताओं का शुक्रिया भी अदा किया। 2 विधानसभा 2 लोकसभा इलेक्शन में हमारे को चुना के लाए, हम इसका अभिनंदन करते हैं लोगों को, हमारा कर्नाटक के लोगों को अभिनंदन करते हैं। इन कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के HD कुमार स्वामी की सरकार को मतदाताओं की पहली पसंद करार दे दिया। ऐसा नहीं है कि जीत के जश्न में सिर्फ जेडीएस के कार्यकर्ता ही डूबे थे, बल्कि कुछ ऐसी ही तस्वीर कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु समेत कई शहरों में कांग्रेस के दफ्तरों पर भी दिखाई दी। हालांकि इन कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी से दूरी बनाए रखी, उसकी जगह उन्होंने शुभ माने जाने वाला नारियल फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। इससे पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी आपस में मिठाई बांटी। जीत का जश्न मनाने में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता भी पीछे नहीं रही, क्योंकि मुकाबला कांग्रेस जेडीएस गठबंधन और बीजेपी के बीच था, जिसमें लोकसभा की 3 सीटों और विधानसभा की 2 सीटों में बीजेपी सिर्फ 1 ही सीट जीतने में कामयाब रही। इन चुनावी मुकाबले में बीजेपी को बल्लारी लोकसभा सीट करीब 15 साल बाद गंवानी पड़ी, जहां कांग्रेस के VS अगरप्पा ने बीजेपी उम्मीदवार जय शांता को 1,00,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया, जबकि मांड्या लोकसभा सीट पर कांग्रेस जेडीएस के LR शिवराम मेगौंडा ने जीत दर्ज की। इसके अलावा रामनगर विधानसभा सीट से CM कुमार स्वामी की पत्नी अनीता कुमार स्वामी को जीत हासिल हुई, जबकि जामखंडी विधानसभा सीट से कांग्रेस के आनंद सिद्धू नयाम गौड़ा ने जीत ये दर्ज की। हालांकि सियासी उलटफेर के बीच बीजेपी नेता और पूर्व CM येदियुरप्पा के बेटे BY राघवेंद्र ने पार्टी की शिवमोगा लोकसभा सीट पर कब्जा अपना बरकरार रखा। इन नतीजों ने कर्नाटक समेत देश की सियासत को भी गर्मा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में नए गठबंधन के जरिए बीजेपी को पछाड़ने का सपना देख रही कांग्रेस को उसके खिलाफ हमला करने का नया मौका थमा दिया। एक गठबंधन को लोग स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा जो बीजेपी का एक उनका कहना था, आज वो झूठा साबित हुआ। इसके बाद जेडीएस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाला। उसने एक सांस में मतदाताओं की तरफ से बीजेपी को नकारने का दावा कर दिया। हार तो बीजेपी की तय हो गई, देश की जनता तय कर चुकी है। अब ये विपक्षी दलों को, राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी निभानी। जेडीएस ने इस जीत के बहाने 2019 के आम चुनाव से पहले बीजेपी विरोधी दलों से एकजुट होने की भी अपील कर दी। हालांकि कर्नाटक के उपचुनावों में कांग्रेस जेडीएस के गठबंधन के शानदार प्रदर्शन की वजह से बैकफुट पर खड़ी बीजेपी परेशान नहीं दिखी। कोई समझता है उपचुनाव में नतीजों को देखकर हमें बहुत ताकत मिला है, वो बहुत जल्दी समझ में आएगा, वो ताकत नहीं बल्कि वो तात्कालिक समर्थन। बीजेपी नेता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले चुनाव से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने का दावा कर दिया। दिवाली पर दुल्हन की तरह सजी दिल्ली। देश भर में मनाई जा रही दिवाली के त्योहार को लेकर दिल्ली में इंडिया गेट, राजपथ, गुरुद्वारा बंगला साहिब को दुल्हन की तरह सजाया गया। MP के दामों में एक उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने के दौरान जमानत राशि देने के लिए सिक्कों से भरा बैग लेकर पहुंचा। जयपुर में दिवाली के एक दिन पहले मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मौजूदगी में द्रव्यवती नदी के तट पर हजारों दिए जलाए गए और भव्य आतिशबाजी की गई। पंजाब के अटारी में बागा बॉर्डर पर BSF के जवानों ने फुलझड़ी जलाकर दिवाली मनाई। UP के बलिया में त्योहारों के दौरान खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई की कई दुकानों पर छापेमारी कर कई क्विंटल खराब मिठाई को जब्त किया। राजस्थान के बीकानेर में दिवाली के मौके पर एक दिया शहीदों के नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
दिवाली के मौके पर पटना में न्यूज 18 की टीम ने चितकोहरा के अनाथ आश्रम में जाकर अनाथ बच्चों के साथ दिवाली मनाई। हिमाचल प्रदेश के मनाली में माल रोड पर एक साथ सैकड़ों दिए जलाकर प्रदूषण मुक्त दिवाली मनाने का संदेश दिया गया। आज दुकानदारों के लिए पूजा समय शाम 5:57 से 7:52 तक है, जबकि घरों में 7:10 से 8:57 तक है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में कांग्रेस ने व्यापम घोटाले के आरोपी कुंदेलाल सिंह को पुष्पराजगढ़ विधानसभा से अपना उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद मौजूदा विधायक और उम्मीदवार कुंदेलाल सिंह के साथ ही कांग्रेस भी बीजेपी के निशाने पर आ गई। लेकिन कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे कुंदेलाल सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया और दावा किया कि उनको गलत तरीके से व्यापम घोटाले में आरोपी बनाया गया था। जिसकी आरोप ये लगा रहे हैं उसकी जड़ भारतीय जनता पार्टी से चल रही है। हालांकि बीजेपी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में व्यापम घोटाले के आरोपी को उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया। सब जगह तो बताएंगे कि भाई स्टेट के आपके विधायक ने ऐसा ऐसा किया और आज आप लोगों को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस एमएलए कुंदेलाल सिंह पर आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे अमितोष सिंह का ग्वालियर के गजराज मेडिकल कॉलेज में गलत तरीके से एडमिशन करवाया था। फिलहाल वो हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर बाहर हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में माँ बाप अपनी 6 महीने की बच्ची को कार में बंद कर शॉपिंग करने चले गए। आरोप है कि उनकी लापरवाही की वजह से बच्ची की जान पर बन आई, क्योंकि कई घंटों तक बच्ची बंद कार में रोती रही और धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी से उसकी हालत खराब होने लगी, जिसके बाद वहां से गुजर रहे लोगों की बच्ची पर नजर पड़ी। लोगों ने तुरंत बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन कार लॉक थी। काफी समय हो गया, पसीना आ रहा है उसको, पसीना आ रहा है उसको। बच्ची को कार के भीतर रोता देख वहां कई लोग जमा हो गए। इस दौरान एक आदमी कार खोलने की कोशिश करता रहा लेकिन कार नहीं खुली। वहां मौजूद लोग कार खोलने की कई तरकीब तलाशने लगे। अरे खुल जाएगा, उसके लिए खुल जाएगा। काफी वक्त बीतने के बाद भी कार नहीं खुली, जबकि कार के भीतर बच्ची दहाड़े मारकर रोती रही, जिसके बाद वहां मौजूद लोग बाहर से ही बच्ची को पुचकारते हुए शांत कराने की कोशिश करने लगे लेकिन बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। फिर लोगों ने कार की खिड़की का शीशा ईंट से तोड़ दिया और बच्ची को कार से बाहर निकाल लिया, जिसके बाद वहां मौजूद एक महिला ने बच्ची को गोद में ले लिया। अनाउंसमेंट के बाद ये लोग नहीं, फिर ये कंडीशन ऐसी हो गई, निढाल होती जा रही थी। बाय लक के बाद सब लोगों ने मिलके इसको संभाला। माँ बाप की लापरवाही की खबर पुलिस को मिली तो वो भी मौके पर पहुंच गई। इस तरह से लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सत्य है कि इनकी लापरवाही से बच्ची की जान भी जा सकती थी। बताया गया कि बच्ची के माँ बाप त्योहारों की खरीदारी के लिए वहां आए थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बड़ी धूमधाम के साथ काली पूजा का त्यौहार मनाया गया, जिसके लिए वहां आतंकवाद और हिंसा को छोड़कर शांति का रास्ता अपनाने की थीम रखी गई और दुर्गा की मूर्ति के पैरों पर कई तरह के आधुनिक हथियारों को पड़ा दिखाया गया। वहीं काली पूजा के मौके पर वहां मौजूद पंडाल को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंचे। पृथ्वी के ऊपर जो संतरास चल रहा है, जो अस्थिरता चल रहा है, उसके ऊपर हम लोग शांति के लिए। इसके साथ ही वहां मौजूद लड़कियों ने पारंपरिक ड्रेस पहनकर फोक डांस भी किया, जिसका लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया। वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपने घर में काली पूजा में हिस्सा लिया और प्रदेश की खुशहाली के लिए ईश्वर से दुआ मांगी। आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान को चीन ने सीधे तौर पर कर्ज देने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब के बाद इमरान खान बड़ी उम्मीदों के साथ मदद के लिए चीन पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान को झटका ही हाथ लगा, क्योंकि चालाक चीन ने उन्हें एक पाई भी देने से इनकार कर दिया। कहा गया कि टर्म्स जो हैं उनके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, एक बार जब टर्म्स तय हो जाएगी उसके बाद घोषणा की जाएगी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 दिन की चीन यात्रा के दौरान ये उम्मीद थी कि शी जिनपिंग सरकार उन्हें बड़ी मदद देगी, लेकिन वहां के उप विदेश मंत्री के एक ऐलान ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान को आर्थिक संकट से निकालने के लिए चीन सैद्धांतिक तौर पर उनकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन ये मदद कैसी होगी और इसकी क्या शर्तें होंगी, इसके बारे में दोनों देशों के जिम्मेदार अधिकारी विस्तार से बातचीत करेंगे।